हेलो फ्रेंड्स, मु कौशिक महांती आपण समस्त स्वागत जनाउछि आमर विद्यासागर क्लासेस रो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज ये वीडियो रे आमे डिस्कस करबा किछटा प्रीवियस ईयर मैथ्स रो क्वेश्चन जोडा कि बीडी एग्जाम्स रे आसीतला। ता पूर्वरु आमे आपण देखाउ चाहौछु कि एटा आमर विद्यासागर क्लासेस रो 2019 रो किछटा परफॉर्मेंस, जेमति कि आपण देखि पाउछन कि किछटा पिला आमर बीडी साइंस रे एपटे क्लियर करछन्ती, तांकर किछटा फोटोज लागछि। सिमिलरली सिटी एंट्रेंस रे क्लियर करछन्, सिमिलरली बहुत सारा एग्जाम्स रे बहुत सारा प्लेयर क्लियर करछन्ती। तो सी आमे आगामी वीडियोस रे आपण मानको समति जेंस इन्फॉर्मेशन दोतु, बट आज आमे फोकस करबा आमर क्वेश्चंस ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पाकरे इटे अछि क्वेश्चन नंबर 71। यूजुअली आपण जो बीडी एग्जाम आसे सेतर मैथ्स रो जो 20 क्वेश्चंस आसी छि प्रीवियस ईयर रे, से को टू को जाय अछि 71 रु आपण को नेकरे 90 जाय के अछि। तो आमे देखिया को जाय के होछ आमे पॉसिबल आमे डिस्कस करिया। तो सबटु फर्स्ट क्वेश्चन हम पाकरे आसला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज, माने दीटा पॉइंट भीतर सबटु शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कोन कहा जाय। तले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाइबा पे मते दीटा भीतर गो स्ट्रेट लाइन टे ड्रा करियो पडिबो। आ स्ट्रेट लाइन ड्रा करु करु मो पाकरे जणा अछि कि गोटे लाइन रो जदी दी पटे एंड पॉइंट थिवो तले ताको आमे कोन कहिबा, आमे ताको लाइन सेगमेंट बोली कहिबा। ता माने क्लियरली हमर आंसर आसीला द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। एबे हम जानिया प्लेन कोण, एबे जो लाइन सेगमेंट आपन को स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन किमा लैपटॉप जो थरे आपन देखछन स्क्रीन ऊपर डिस्प्ले छै, से स्क्रीन टा गोट प्लेन बढ़िया एक्ट करे जहां ऊपर हम बाकी सब जिंस को रिप्रेजेंट करू। त लेटा हम प्लेन कथा त मु पचराई नी, आर्क कोण जदी आपन के पचराओ त गोट सर्कल वृत्त जोटा को हम कहू, गोट सर्कल रो जदी गोट छोटो पार्ट टा को मु काटी के रिप्रेजेंट करछि, जदी एई छोटो पार्ट टा को मु काटू छि ए पार्ट टा बाहर कले एमते देखा जइबो, तले ए जिंस टा को हम आर्क को एटी भी समते जिंस किछ पचराई नथला, तले मैं आर्क कोण जानले से भी एटा नो। तले लास्ट कथा आसला रे, रे कोण जोटा गोटे पट एंड थिबो, गोटे लाइन रो गोटे पट एंड थिबो किंतु से गोटे डायरेक्शन ने एक्सटेंड करियर कैपेबिलिटी रखतो ताको हमें रे बोली कहू। तो एठी दी पट एंड अछि तले एटा रे भी हे परन, तले मोर आंसर क्लियरली कोन आसी गला लाइन सेगमेंट बोली आसी गला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जीबा गोटे एजेस प्रॉब्लम। 5 इयर्स अगो अमृत वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बरखा एंड 10 इयर्स लेटर अमृत विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बरखा, माने 5 वर्ष पूर्वरु अमृत जे से बरखा रो एज रो 3 गुना थिला, आउ 10 वर्ष परे से अमृत से जो बरखार दि गुण हे जीवो, ताहले एबे अमृत रो प्रेजेंट एज टा केते। ताहले सब बडे मन रखते आपन जो फर्स्ट कंडीशन देतो जेंति कि 5 इयर्स अगो से कंडीशन रो चलिबे, ताहले मु आगो कोन करछि आगो लिखि दोछि 5 इयर्स अगो। क्लियर अछि काई कि सेटा जिनसर बुझी परबे आपन केमते कि 5 इयर्स अगो क्लियरली मते गोटे डाटा देतला कि अमृत वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बरखा, माने अमृत बरखार 3 गुण थिबो, ताले बरखा जदी मोर एक्स थिबो ताले अमृत निहाती तार 3 गुण थिबो, माने केते हितो 3x, कारण एटा तार 3 टाइम्स। क्लियर अछि जे के एबे कंडीशन आसीला कि आफ्टर और 10 इयर्स लेटर, रिमेंबर वन थिंग, जेबे भी आपन को 10 वर्ष पर कथा कहा होछि केबे भी से 5 वर्ष रो आसिबेनी, जहां भी आपन को कहा हितबो सब बेले प्रेजेंट रु हे दिया हितबो। ताले प्रेजेंट कथा मते गोटे कथा को तो गोटे लोक को 5 वर्ष पूर्व रु जदी 40 वर्ष थिबो ताले प्रेजेंट रे ताको केते वर्ष थिबो 45 वर्ष थिबो, काहे कि कने 5 वर्ष पूर्व रु 40 माने 5 मिसेला आज का प्रेजेंट एज आसी गला 45, ताले मोर 5 वर्ष पूर्व रु ए रो एज माने अमृत रो एज केते थिला 30 सॉरी 3x, ताले प्रेजेंट रे अमृत रो एज केते थिबो 3x रे 5 मिसेया को पडिबो। सिमिलरली बरखा रो एज 5 वर्ष पूर्व रु x थिला, ताले एही 5 वर्ष भितरे से 5 वर्ष बडी जाय, ताले केते गला x + 5, किंतु मते जो नेक्स्ट डाटा दरकार मते 10 इयर्स लेटर दरकार 10 वर्ष पारे, ताले आफ्टर 10 इयर्स माने कोन आज टू 10 वर्ष परे, तले आज अमृत को जदी एतिके वर्ष हेछि 10 वर्ष परे से आउ 10 वर्ष बढी जइबो, 10 वर्ष बढी जइबो माने 3x + 5 + 10 जहा भी थिला, आउ बरखा जहा भी थिला x + 5 से भी केते वर्ष हे 10 वर्ष भितरे बढी जइतबो 10 वर्ष बढी जइतबो, जेमति कि आज गोटे लोक को जदी प्रेजेंट रे 45 ताले 10 वर्ष परे ताको केते हबो + 10 कर देले 55 से कंडीशन, और यार शॉर्ट रे अपन डायरेक्टली कर परिबे कि 40 रु मते 55 आसिया को मते 5 10 15 वर्ष लागिला, ताले डायरेक्टली अपन 15 मिसै परिबे। देखंतु 3x एडी 10 + 15 10 + 5 हेले बेटा 3x + 15 हला, सिमिलरली एटा x थिला मु जदी डायरेक्ट 15 मिसै दांदी ताले x + 15 ही आसी थांता। तापर कहिला कि 10 वर्ष पर तांकर जहां भी एज अछि मोर अमृत हला बरखार दि गुणा हबो, माने बरखार एज एति कि ना, ताले बरखार एज रे दि दुई गुणी ले मते डेफिनेटली कोन मिलतो अमृत रो एज मिलतो, ताले एडी इक्वेशन जदी सॉल्व करी देखो एटा 3x + 15 इज इक्वल टू एटा x * 2 जदी मल्टीप्लाई हो 2x + एटा केते आसीला 30, तो एटो जेतलो x मल्टीप्लाई हो x इज इक्वल टू केते पले आसीला 15, x मोर 15 आसो आसो मते कोन पचाछि प्रेजेंट एज दरकार अमृत माने ए रो, ताले प्रेजेंट एज एटि अछि अमृत रो हम पाखरे केते अछि देखो 3x + 5, ताले अमृत रो प्रेजेंट एज पाइबा पाए मते कोन करियो पड़िबो 3x + 5।
ताले 3 इनटू 15 कले मते 3x मिलला प्लस 5 ताले 15 3 45 5 मोर केते आसी गेला 50 इयर्स ताले आंसर केते आसी गेला 50 इयर्स यार बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स अछि बट मोय क्वेश्चन मजरे से ट्रिक्स कहले आपन को मजा आसीबो नि कारण आपन गोटे अलग प्रकार पढ़ी चंदे मु जदे अलग कर दे पूरा माने अलग टाइप हे जो ताले ताको हमें पर वीडियोस रे आपन मानको नेके आसु आ जदि आपन को सेशन भल लागु छि ताले लाइक को कमेंट को तो करबे ही करबे ता संगे रे आपन को जहा जहा जेंसो वीडियोस हिसाब रे दरकार ए चैनल लो आपन जहा भी एक्सपेक्टेशन रखु चंदे कमेंट करके हमको जणले हमें डेफिनेट कि आपन को प्रोवाइड करियो ता संगे एबे आपन को ट्रिगोनोमेट्री रो क्वेश्चन सॉल्व करबा क्वेश्चन देला कि cos स्क्वायर a + cos 4a इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a + tan 4a होल इनटू होल डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर a / tan स्क्वायर a पिला एटी कोन भूल करन दे पिला मने मने खुसे जानते कि अरे cos स्क्वायर a + cos 4a मते 1 दे दीची मो संगे संग कोन करबे cos 480 अच्छा cos स्क्वायर एटा को सेपडु ने गेले 1 - cos स्क्वायर ए हे जो काने हम जानि छु 1 - cos स्क्वायर ए फोन कोन हे जो sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू एपटे कोन रहला cos 4 ए एमते गोले गोले घंटे हे टोटली क्वेश्चन सॉल्व होवनी जदी सॉल्व करे अछि एको ठीक है देखो कोन से पचार छि से मते कहा वैल्यू पचार छि tan स्क्वायर ए + tan 4 ए डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए इनटू मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए तले ऊपर देखो एठी गोटे tan स्क्वायर अछि एठी गोटे tan स्क्वायर अछि तले मु tan स्क्वायर ऊपर कॉमन नेस पर tan स्क्वायर ए ऊपर जो मोरते कमेंट आनली कॉमन आनली एटा केते आसला व्हाट एडी केते आसला मो पाके रे tan स्क्वायर ए कने tan चट्टा थिला मो जोडे नै गेली बाहर को जोडे रहला भीतर डिवाइडेड बाय दिस sec स्क्वायर ए इनटू tan स्क्वायर ए रहला एबे न्यूमरेटर tan स्क्वायर डिनोमिनेटर tan स्क्वायर कटि गेला प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर मोर कोन होय सर tan स्क्वायर कोन होय sec स्क्वायर होय ना तले ट्रिगोनोमेट्री एजेंस रे आपण पढिथबे नन एटा जेबे हम ट्रिगोनोमेट्री पढिबा सेबे हम जानिबा कि 1 + tan² एटा हमर sec² रे संगे होय तीनटा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अछि आपणकर sin² + cos² = 1 1 + tan² = sec² 1 + cos² = cos² तो एतिके जेतलो sec² sec² कटला मोर आंसर केते आसला 1 माने यार एटी कोनोसी वैल्यू नथिला हम डायरेक्टली वैल्यू तुमको जहा भी हेले पचारले केते आसीबो आंसर 1 ही आसीबो एबे नेक्स्ट आउ गोटे टॉपिक ऊपर जीवा आमे एने गोटे रेशियो रो क्वेश्चन सॉल्व करबा जेबे भी एंती आपन क्वेश्चन देतो कि जदी x इज टू y इज इक्वल टू 1 इज टू 3 देन एतिकी रेशियो काढंतो आपन को काम सीधा कोन x को 1 पके देबे आ y को 3 पके देबे आ किछि बेसी भाबीबार नै त जेतोल मु 1 पकौ छै एडा मोर केते आछै 7x2 x को मु 1 नेले एडा कोन आसेला देखन एडी मु x को 1 नै जे आ y को 3 नै जे रेशियो जहा आछै ताको भीतर त एडा केते आसीला 1 रो स्क्वायर प्लस 3 इनटू x केते 1 y केते आछै मो पके 3 ये गोटे पार्ट आसीला इज टू एडी मो पके केते आछै 2 into x जगह रे 1 y जगह रे केते 3 प्लस एटी y रो स्क्वायर माने 3 रो स्क्वायर ए देखन तो 7 into 1 एटा 7 आसीला प्लस 3 into 3 एटा 9 आसीला रेशियो का संगे देखो 2 into 3 6 आसीला 3 रो स्क्वायर 9 आसीला 7 6 16 9 6 15 ताले रेशियो केते पळे आसीला मो पाखरे 16:15 ऑप्शन नंबर बी रेशियो रोडे क्वेश्चन सॉल्व कला पर एबे हम जेबा नंबर सिस्टम रोडे क्वेश्चन को सॉल्व करबा द नंबर सिस्टम व्हिच कंटेन्स ओनली 8 डिफरेंट डिजिट्स ए 0 1 2 3 4 5 6 7 इज कॉल्ड जो मैंने पढ़ी थे समझ जानते हुए जीरो रू नहीं कि सेवन जाए कि हमारे कोई सिस्टम रहता है ऑक्टल सिस्टम रहता है ताले अलग सिस्टम रहे हमारे कौन था जोधे हमारे चारिटा नंबर रू चारिटा डिफरेंट डिजिट्स को यूज करी जो सिस्टम है तो ताको क्वाइनरी कौन थे जदि दीटा डिजिट माने के जदि 0 1 को नेकरी गोटे सिस्टम टे फॉर्म हेतो ताको बाइनरी कहंती जदि चारिटा हेतो जेंति कि 0 1 2 3 नेकी जदि हेतो ताले ताको बाइनरी कहंती सिमिलरली जदि सातटा हमर हेतो सातटा माने 0 रो आरंभ होला माने 0 1 2 3 4 को जाय जेबो गोटे कॉमन सात जाय जेबो जदि आठटा सॉरी आठटा आठटा नंबर डिजिट्स को यूज करी गोटे सिस्टम फॉर्म कराय तो ताले ताको कोन कह जाय ऑक्टल ताले माने रखिबे केमति बाइनरी बाइ माने दीटा बाइनरी माने चारिटा ऑक्टल माने आठटा और हेक्साडेसिमल ऑब्वियसली केते तो 16 टा एठी आ कहि दबाने कि 0 रु नै कि 15 जेंके काने मझरे एठी जदि पढि तबे तले एठी कोन आसीबो ए बी सी डी एम ते एकरे आसीबे तो ए बिषय जतो हमें सिस्टम पढिबा बल से जानिया किंतु एति कि जानथान तो कि 8 टा डिजिट हमर ऑक्टल सिस्टम फॉर्म हेता एबे ओटे लॉगरिथम लॉगरिथम बहुत इंपोर्टेंट आपनकर बीडी एग्जाम रे लॉगरिथम बिषय टिके पिलांकर बहुत कंफ्यूजन था तम जेंसर के बुझे के आगु नबा को चाहू छी कि लॉगरिथम जेंसटा कोन जदि आपण को समस्त कहुतबे कि log 10 इज इक्वल टू 1 मो हिसाब रे जे लॉगरिथम कोन जानथो से एटा तो निहाती जानथो ए log 10 is equal to 1 किनो मु एबे आपन को बुझेबे कि log 10 is equal to 1 काहे कि हुए माने रखतां तो तळे जो जेंसर आईडी थाए सेटा को बेस कहा जाय हला त माने जदी किछि नाही तले हमको अज्यूम करे छै एटा बेस मोर केते अछि 10 एबे log 10 टू द बेस 10 एटा मोर 1 काहे कि हला ए बेस को सब बड़े देखियो क्लियर अछि बेस को सब बड़े देखियो आ खोजिबो कि बेस रो कोनोसी गोटे पावर
ମୋର 10 ଆସୁଛି କି ସାର୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାୱାର ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତାହେଲେ ବେସ୍ ଏଠି ମୋର କେତେ ଥିଲା କ୍ଲିୟରଲି ବେସ୍ ଅଛି ମୋର 10 10 ର କୌଣସି ପାୱାର ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ମାନେ କେତେ 10 ହେଉଛି କି ଡେଫିନେଟଲି 10 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାୱାର ମୋର 10 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଆସୁଛି ପାୱାରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବ ଏତେ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଳେଇ ଘଣ୍ଟେ ଏଇ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ମୋତେ କୁହାହବ ଲଗ୍ ଅଫ୍ 1000 ଟୁ ଦି ବେସ୍ 10 ତା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରୁଛି 10 ର କୋଉ ପାୱାରଟା ମୋର 1000 ହୁଏ ଭାଇ 10 ର କ୍ୟୁବ୍ଟା ମୋର 1000 ହୁଏ ଏତିକି ତମ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପାୱାର ହବ ଏ ପାୱାରଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା 3 କିନ୍ତୁ ମାନେ ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ମୋର ବେସ୍ଟା 10 ହବ ବୋଲି ମତେ ସେ ବେସ୍ଟା 10 ରୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିକି ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଲଗ୍ ଅଫ୍ 64 ଟୁ ଦି ବେସ୍ 8 ତା ମାନେ କ'ଣ ମତେ ଖାଲି ଖୋଜିବାର ଅଛି ବେସ୍ କିଏ ଭାଇ 8 8 ର କୌଣସି ପାୱାର ମୋର 64 ଅଛି କି ଡେଫିନେଟଲି 8 ର ସ୍କୋୟାର ବା 64 ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ପାୱାର ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲା 2 ପାୱାରକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବ 2 କ୍ଲିୟର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଲଗ୍ ଅଫ୍ 125 ଟୁ ଦି ବେସ୍ 5 5 ର କୌଣସି ପାୱାର 125 ହେଉଛି କି ଡେଫିନେଟଲି 5 ର କ୍ୟୁବ୍ଟା 125 ହେଉଛି ତାହେଲେ କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ପାୱାରଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ଏଇଟା ମୋର କେତେ ଆସିଗଲା 3 ଏଇ ଯାଏଁକେ କଥା କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ଜିନିଷଟା ବୁଝାଉଛି କି ଯେହେତୁ 10 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାୱାରଟା 10 ହଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠି 1 ରହିଲା 10 ର ଥାର୍ଡ ପାୱାରଟା ମୋର 1000 ହଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠି 3 ରହିଲା 8 ର ସ୍କୋୟାରଟା 64 ହଉଥିଲା ବୋଲି 2 ରହିଲା 5 ର କ୍ୟୁବ୍ଟା 125 ହଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠି 3 ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଲଗ୍ ଅଫ୍ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି 49 ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 49 ଟୁ ଦି ବେସ୍ 7 ତାହେଲେ 7 ର କୋଉ ପାୱାରଟା 49 7 ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଲଗ୍ ଅଫ୍ 50 ଟୁ ଦି ବେସ୍ 7 କିନ୍ତୁ 7 ର କୌଣସି ପାୱାର ଆରେ 7 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାୱାର 7 7 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 49 7 ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 343 ତାହେଲେ 7 ର କୌଣସି ପାୱାର 50 ଆସୁଛି କି ନା ଯଦି 7 ର କୌଣସି ପାୱାର 50 ଆସୁନି ଏଠି କେବେ ବି ଗୋଟେ ରାସନାଲ ନମ୍ବର ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତିକି 2, 3, 2, 3, 1 ଯାହା ବି ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ତାର ଥାର୍ଡ ପାୱାର ସେକେଣ୍ଡ ପାୱାର ଥିଲା ରାସନାଲ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେସ୍ର କୌଣସି ପାୱାର ମୋର 50 କିମ୍ବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ହଉନି ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି ଯାହା ବି ଆସିବ ସେଟା କ'ଣ ଆସିବ ଇରାସନାଲ ଆସିବ ସାର୍ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଲଗାର ଦିନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଣ ଲେଖୁଛି ଲଗାର ଦିନ ଅଫ୍ 7 ଲଗ୍ ଅଫ୍ 7 7 କୁ ଉପରେ ରଖିବ ବଡ଼ଟେ ହଁ ଟୁ ଦି ବେସ୍ 2 ବେସ୍ଟା କୋଉଠି ରହେ ତଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ 2 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାୱାର 2 2 ର ସେକେଣ୍ଡ ପାୱାର 4 2 ର ଥାର୍ଡ ପାୱାର 8 ମାନେ 7 କୁ ଟପିକି ପଳେଇଲାନି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି 2 ର ପାୱାର 7 ଆସୁନି ତାହେଲେ 2 ର ଯଦି କୌଣସି ପାୱାର 7 ଆସୁନି ଏଠି ଯୋଉ ବି ନମ୍ବର ଆସିବ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଇରାସନାଲ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ମୋର କ'ଣ ଆସିଗଲା ଇରାସନାଲ ନମ୍ବର ଆସିଗଲା କ୍ଲିଅର ଅଛି ଏ ଯାଏଁକେ କଣ୍ଡିସନ ତାହେଲେ ଏବେ ଲଗାର ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖେଇବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ମୁଁ ଆଗ ଦେଖୁଛି କେତେଟା ଯାଏଁକେ ଆଜି ପସିବଲ ହେଉଛି ଡିସ୍କସ କରିବା ତାହେଲେ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସ ଅଫ୍ 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ 25 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ ହକି ଆଣ୍ଡ 35 କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ପିଲା 50ଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ହକି 25ଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି 35 25 ଆଉ 35 ମିଶେଇଲେ ହେଇଗଲାଣି ମୋର କେତେ 60 ତାହେଲେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 50ଟା କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି 60 ଜଣ କେମିତି ଆରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ 25ଟା ପିଲା ତମକୁ ଦେଇନି କି 25ଟା ପିଲା ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ 25ଟା ପିଲା ହକି ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ପିଲା ଏମିତି ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ 35ଟା ପିଲା ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ପିଲା ଏମିତି ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ହକି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କମନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅର୍ ସେଟ୍ ଥିଓରିର ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ବୁଝିଲାଣି ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସପୋଜ୍ ମୋର ହକିର ଭେଣ୍ଡାଗ୍ରାମ ହେଲା ଭେଣ୍ଡାଗ୍ରାମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଲା ସପୋଜ୍ କେତେ ପିଲା ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କେତେ ପିଲା ସପୋଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ମୋର କମନ୍ ଆସୁଛି ସେଟା କୋଉ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମର କମନ୍ ଥାଏ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଟ୍ ଥିଓରି ଡିଟେଲରେ ପଢା ହବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ସେଟ୍ ଥିଓରିର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ କି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 2ଟା ସେଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି 2ଟା ସେଟ୍କୁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବାଲା ପାର୍ଟଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଚ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହକି ଖେଳୁଥିବା ବାଲା ପିଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି 25ଟା ଲେଖିଦିଅ 25 ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ବାଲା ପିଲା କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ 35 ଲେଖିଦିଅ 35 ମାଇନସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ୍ କେତେ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ କମନ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସପୋଜ୍ ନେଇଗଲି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋର ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିଯିବା କଥା ମୋର ଟୋଟାଲ ଆସିଯିବା କଥା 50 ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 35 ଏଇଟା ମୋର ଆସିଗଲା 60 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50 ତାହେଲେ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋର କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ 10 ଏକ୍ସଟା ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ଏମିତି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ହକି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ବୋଥ୍ ଖେଳୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ହକି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ବୋଥ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍
सेक्शन पचारतिला हमर आंसर केते पळे आसला आंसर पळे आसला 10 क्लियर अछि जेंके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को बडीबा जोटा के आउट ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन दि अधिका पढिया पडंकर तले cos थीटा भाई मते देला cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देला मते कथा को cos रो जो टेबल अछि cos रो टेबल रे 1/√2 आसे सर को टेबल कथा कोछन cos 0 टा 1 होए कॉस आपनकर 30 टा √3/2 हुए कॉस आपनकर 40 टा 45 टा 1/√2 हुए ए जनसा त मो हिसाब रे आपन जानिथबे कॉस रो जो टेबल आपनकर थाए कॉस 0 टा आपनकर 1 हबो कॉस रो 30 टा आपनकर √3/2 हबो कॉस रो 45 डिग्री टा आपनकर 1/√2 हबो कॉस रो 60 डिग्री टा आपनकर 1/2 हबो आ कॉस रो 90 टा आपनकर 0 आसीबो जेंति कि साइन टा जहा कॉस टा तार उल्टी गेसले तले 1/√2 भई केतोळो मिलुछ जेतोळो को कॉस रो थीटा वैल्यू टा 45 नेउछ माने मो एटू जानि गेली कॉस थीटा 1/√2 माने निहाते थीटा टा केतै तो 45 डिग्री हेतबो क्लियर अछि यदि थीटा 45 डिग्रीज आसीला मते पचार छि कोन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तले थीटा जगह रे 45 पके दो तले कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 एबे मते एउटा कथा कोन तो कॉस स्क्वायर 45 पे कॉस 45 केते 1/√2 तले 1/√2 रो स्क्वायर माइनस साइन 45 भी केते 1/√2 तले 1/√2 रो स्क्वायर एबे मते एउटा कथा को एटा जहा एटा सेया तो तले एथरो एटा माइनस हेले मोर आंसर केते आसीबो 0 तले क्लियरली मोर आंसर केते पळे आसीला 0 पळे आसीला क्लियर अछि एबे सपोज मु नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबे एटा गोटा हम पाखरे पॉलीनोमियल्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अछि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल रे एटा गोटे जीवो ए क्वेश्चन टा तले ए क्वेश्चन टा को केमते सॉल्व करिया देखंतु ए क्वेश्चन टा जदि आपण भाबु छन कि सर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन माने ए रूट्स रो दीटा इक्वेशन सॉरी ए जो इक्वेशन रा दीटा रूट्स मोर अल्फा बीटा जदि आसीबे देन मते आउट इक्वेशन दरकार जहाँ रूट गोटे तो अल्फा प्लस टू गोटे तो बीटा प्लस टू सर एटा बहुत सिंपल अल्फा बीटा काढ़ी दबा काम सरला अल्फा बीटा आपण घरे बसिक चेष्टा कर देबे अध घंटे घंटे तीन दिन नेकर अल्फा बीटा मला जाय बाहरिबा नाही होल नंबर्स रे काई के कनेक्ट इरेशनल रूट बाहरिबो तले ए क्वेश्चन को मते बिना अल्फा बीटा काढ़ी के सॉल्व करिया सर अल्फा बीटा रूट्स न काढ़ी के हमें केमते सॉल्व करिया गोटे जिंस आपण मन रखतांतु के अल्फा प्लस बीटा आपण को काढ़िया जणा थिबो अल्फा प्लस बीटा माने जहा को हमें कोन को सम ऑफ रूट्स राम पाकरे फार्मूला कोन अछि माइनस बी बाय ए क्लियर अछि आउटे हला अल्फा इनटू बीटा जोटा को हमर कोन कहा जाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमर कोन होय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमर होय सी बाय ए क्लियर अछि तले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें केमते काढिबा ए इक्वेशन टा हमर जो अछि एटा अछि हम पाकरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म रे तले एटी x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 तले मु जानि गेली a केते हबो 1 b अछि मोर एडी केते जमारु कहिबनी 2 एडी केते ता पूर्व सिंबल अछि माइनस 2 तले b अछि मो पाखरे माइनस 2 आ c अछि केते मो पाखे देखंतु c जगह रे एडी क्लियरली केते अछि 3 तले c अछि मो पाखरे 3 तले ए जगह रे जतल मो सम ऑफ रूट्स कथा कहिबी तले सम ऑफ रूट्स मो पाखरे केते आसी माइनस b बाय a माइनस b केते अछि मो पाखरे माइनस 2 बाय a केते अछि 1 तले केते आसला 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए माने सी अछि 3 ए अछि 1 तले एटा केते आसीला मोर 3 एबे सर सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेले मोर कोन लाभ हबो प्रोडक्ट लाभ हबो एया कि जदि तमकु गोटे इक्वेशन रो तमकु देई छि कि दीटा रूट्स आसीबे गोटे हला r1 आ गोटे हला r2 ताले से इक्वेशन टा केमती फ्रेम होय से इक्वेशन टा को बनिया पे आपण कोन करय छि x2 माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एति के कर देले मोर इक्वेशन डा पळे आसीबो तले x स्क्वायर मोर x स्क्वायर ठीक अछि एडी मते एउटा कथा को एठी जो मोर रूट्स जो इक्वेशन दरकार तार जो रूट्स कोन कोन थिबे फर्स्ट रूट टा होला अल्फा प्लस 2 एडी देखन क्वेश्चन लिखि छि आ सेकंड जो r2 टा सेटा होला कोन बीटा प्लस 2 तले रिप्लेस कर दियो r1 जगह रे पकेइ दियो अल्फा प्लस 2 r2 जगह रे पकेइ दियो बीटा प्लस 2 इनटू केते होला x प्लस r1 जगह रे पकेइ दियो अल्फा प्लस 2 आ एटा केते पकेइ दियो बीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दियो क्लियर अछि एबे जतो को इक्वेशन रो टिके इंप्रूव नै सॉल्व कर छि x स्क्वायर आसीला माइनस एटा ता भीतर ब्रैकेट भीतर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इनटू 2 प्लस 2 केते 4 तले अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ए एक्सप्रेशन को जतोळ को एटी ओटे एक्स अछि प्लस ए एक्सप्रेशन जतोळ खोलिबे अल्फा इनटू बीटा केते आसी हमर अल्फा बीटा प्लस ओटे एटी 2 अल्फा आसी ओटे 2 बीटा आसी देखिबे माने करिबे दबा पूरा जनसरा काई कोन एते असुविधा अछि कम पाखरे तले 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ब्रैकेट्स पूरा खोलि प्लस 4 एटा को जदि सिंपलीफाई करिवे तले अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा रु 2 कॉमन नै गेले एटा केते रहला अल्फा प्लस बीटा प्लस एटी केते अछि 4 माने लास्ट एक्सप्रेशन रे एपड अछि इज इक्वल टू केते अछि 0 सर एबे कोन करिवे एबे अल्फा प्लस बीटा जगह रे केते पके दबा 2 सर केमते अरे हमरा अगुरु काडी छुटू तले जगह रे मु केते पके देले 2 क्लियर अछि ए अल्फा इनटू बीटा जगह रे केते पके दो 3 हम ऑलरेडी काडी छु हमको अल्फा बीटा जणा नै किंतु प्रोडक्ट आ तांकर सम जिंसटा जणा अछि
क्लियर अच्छे थ्री आउ ए अल्फा प्लस बीटा जगह के पकई दो टू पकई दो एबे जत मु करबी ए एक्स स्क्वायर आसला एक्स स्क्वायर एठी माइनस ए 2 प्लस 4 केते होय रे 6 ता बाहर गोटे कोन छ एक्स प्लस अल्फा बीटा एठी केते होय 3 प्लस 2 इनटू 2 केते 4 4 4 8 3 केते आसला 11 इज इक्वल टू 0 तले इक्वेशन मोर कोन पळे आसला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर सी क्लियर अच्छे एबे आउ गोटे क्वेश्चन एटा हमें लास्ट क्वेश्चन करबा एटा गोटे सेट थ्योरी रो आउ गोटे क्वेश्चन एटा मते कोन पचछि द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज गोटे सेट जार ऑर्डर ऑर्डर माने कोन नंबर खाली मन रखतां तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऑर्डर कह जाए कि गोटे सेट अछि तादर मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स केतरा अछन्ते 3टा अछन्ते ताले सेही बडा सेट रो प्रॉपर सेट केतरा हबो क्लियर अछि प्रॉपर सबसेट सॉरी प्रॉपर सबसेट्स केतरा हबो ताले मु जदि आपन मानको डायरेक्ट कह देबे कि प्रॉपर सबसेट्स हैला सपोज 2 टू द पावर n माइनस 1 त आपन मुंडो खराब हिजो सर एटा कोठु आसलो जमन त जानि छन भलो जमन जानना त एबे मु बुझौ छी ताले सपोज मु गोटे सेट नेली ए गोटे एलिमेंट वाला तो जदि मते पचरा हला तार सबसेट के हेबे मते एमिति सब सेट बनेबार अछि जहा जोडा कि या भितरे पळे आस्तो सर किछि बुझेलन माने कोन फर्स्ट हला गोटे सेट बने परियो 5 नल सेट जोटा को एम्प्टी सेट को आजे जन पडिचन टिके आइडिया समान को कहू छी आ गोटे हला मो पाखरे कोन ए क्लियर अछि माने ए सेट रो सब जको एलिमेंट एथरे अछन्ते आ ए सेट रो भी सब जको एलिमेंट अरे एथरे किछि नाही तले एटा ऑब्वियसली आधीर आसीबो तले ए दिटा को कह जाय सबसेट आ जदि मते कह जाय प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट मन रखथांतु सबो जाको सबसेट एक्सेप्ट निजो को माने निजो छोडा माने ए हे परबनी किंतु ता छोडा बाकी तल प्रॉपर सबसेट के आसीबो मोर 5 आसीबो एम्प्टी सेट क्लियर अछि जो मारो डाउट अछि आउटे देखंतु मु जोडे एलिमेंट सपोज नली गोटे सेट रेला अल्फा ए बी ताले तार नंबर ऑफ सबसेट केतरा आसीबो ताले सबसेट के आसीबो आइदर गोटे एम्प्टी सेट आस परियो जोटे किछ नै आइदर मु गोटे सेट कहि परियो जोटे खाली ए थिबो गोटे सेट एम्प्टी कर परियो जोटे खाली बी थिबो आउ गोटे सेट एम्प्टी कर परियो जोटे ए बी थिबो माने एटा गोटे सेट जोटा कर सब एलिमेंट यादि रहछन एटा गोटे सेट जार सब एलिमेंट याद रहछन एटा मध्ये गोटे सेट जार सब एलिमेंट याद रहछन सेत में से गोडा को सबसेट कोच किंतु प्रॉपर सबसेट बेळ को कंप्लीट निजो सेटटा रहिबो नै तले निजो सेटटा जदि रहिबो नै तले एटी कोन आसी गला मो पाखरे गोटे आसी गला 5 गोटे आसी गला ए गोटे आसी गला मो पाखरे बी ता माने मो एटु गोटे जिंस जानि छै कि जहा मोर सबसेट आसीबो आ प्रॉपर सबसेट आसीबो मते केमति मिलियो -1 काहे कि ना निजोटा को एक्सक्लूड करिवार अछि आ मोर दीटा एलिमेंट थिले सबसेट केतरा आछि 4टा आ से 4टा केमति आछि सबसेट काढिवार फॉर फॉर्मूला हैला 2 टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर अछि n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ताले एठी देखो मोर दीटा एलिमेंट थिले से पे 2 टू द पावर जदि मो 2 कर दउ छी देखो मो पाखरे 4टा एलिमेंट आस्तले सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन ने मो पाखरे जदि 2 टू द पावर 1 करबी दीटा एलिमेंट आस्तन ताले जदि मो पाखरे 3टा एलिमेंट थिबे ताले मते सबसेट केतरा मिलियो आपण मन को इने बुझैली पूरा एक्सप्लेन करी 2 टू द पावर 3 माने केतरा 8टा किन मते कोन पचार छी प्रॉपर सबसेट ताले प्रॉपर सबसेट पे मो कोन करबी 8टा रु निजे आसी परिवन गोटे ताले 8 -1 इज इक्वल टू 7 जार फार्मूला आरंभ रो ऊपर आपन को प्रोवाइड कर दे थेले तले आंसर मोर केते आसी गला 7 तले ए 10टा क्वेश्चन करके एंड करछ आगो बढ़िया बढ़िया देखन एटा पॉलीनोमियल से सिंगल वाला पॉलीनोमियल अछि लीनियर पॉलीनोमियल और ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एटी हम यूज करे लॉगरिथम सर्च इंडिसेस वगैरह सब बढ़िया बढ़िया जिंस लॉगरिथम रो बढ़िया क्वेश्चन अछि ज्योमेट्री वोमेट्री केते कोन आसला तो आज तो समय होनी बेसी लंबा करिया को चाहनु वीडियो टाको तो आज रो वीडियो एटी हम एंड करछ बाकी सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कस करबा तो डेफिनेटली आज रो वीडियो आपन केमति लागला कमेंट करके मते निहाती कोनतो हम चैनल को जणंतो ताकि हम भी जानियो कि कोनटा आपन को दरकार कोनटी आपन को लैकुना रहउछि प्लस जदि कौन से क्वेश्चन है डाउट किसी भी रही आज सेशन में तले प्लीज कमेंट करके अपन बिंदास कही पारे ताकि हमें से जिनस को भी अपन को क्लियर करियो संगे संगे अपन को जहां नुआ नुआ जिनस दरकार से गुडा को भी हमको कमेंट करके कहबे यदि वीडियो टी पसंद आस्तो अपन डेफिनेटली को लाइक करंतु संगे मन से शेयर करंतु और यदि ये चैनल अपन नुआ छन तले डेफिनेटली सब्सक्राइब करंतु चलंतु एठी आज मो शेष कर छी आज रो वीडियो देखा हम आगामी वीडियो रे थैंक यू।